बाघ एक्सप्रेस दे रही ग्रामीणों को बाघों से मोहब्बत का पैगाम। दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास के जंगलों के किनारे बाघ अक्सर जंगल से निकल आते हैं। कई बार बाघ लोगों पर हमले भी कर देते हैं। ऐसे में ग्रामीण और बाघ के बीच एक द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। एक तरफ ग्रामीण बाघों की जान के प्यासे हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाघ भी इंसानी दखलंदाजी से हमले कर बैठते हैं। इससे निपटने के लिए वन विभाग ने PCCF वाइल्ड लाइफ की अनुमति से इस बार एक बाघ एक्सप्रेस गाड़ी बनाई है। इस गाड़ी को बाघों के फ्लैक्स लगाकर एक्सप्रेस का रूप दिया गया है। बाघ एक्सप्रेस के जरिए लोगों को यह बताया जाएगा कि बाघ जंगल के लिए और खाद्य श्रृंखला के लिए कितनी जरूरी है। जो बाघ हैं, तेंदुए हैं, इनका इस क्षेत्र में वन क्षेत्र अच्छा होने की वजह से उनका वास स्थल बढ़िया है, तो यहाँ पे वो रहते भी हैं और कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोगों का इस समय जो मेन फोकस है वो ये है कि लोगों को जागरूक करें कि इस महीने में दिसंबर के महीने में जो कि फागी बहुत होता है, तो लोग अपने को सुरक्षित रखें और बाघ को भी सुरक्षित रहने दें। बाघ जंगल से निकलकर बाहर जा रहे हैं और वहां उनको खतरा हो रहा है। इंसान और बाघों में अक्सर लड़ाइयां होती रहती हैं और इसमें नुकसान दोनों का ही हो रहा है, लेकिन ये बाघ एक्सप्रेस अब शायद इंसान की जान भी बचाएगी और बाघों को सुरक्षा भी दिलाएगी। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से प्रशांत पांडे, ईटीवी भारत के लिए।